बैक, आप देख रहे हैं एटी मनी, बना अपना फाइनेंस मिनिस्टर, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और चलिए अब बिना ज़्यादा समय बिताए हम दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे, और जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ सीएफपी आदित्य शाह है और हर्षवर्धन रुमटा, सीएफपी रुमटा सिक्योरिटीज भी जुड़ गए हैं, और आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। लेकिन आपसे मैं जुड़ूँ उससे पहले दर्शकों को एक नंबर हमें बताना होगा स्क्रीन पर जो फ्लैश होने वाला है, और ये है वो नंबर जहाँ पर दर्शकों को अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का, और हम जो है लाइव आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। आपका सवाल हो निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी या टैक्स, आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे और हमारे एक्सपर्ट कराएंगे आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। तो चलिए पहला सवाल हर्ष के लिए होगा। ब्रजेश कुमार साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। ब्रजेश जी नमस्कार सर, क्या हाल चाल? बहुत बहुत धन्यवाद सवाल आपने भेजा हमें। नमस्कार मैम, मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, बताइए। मैम मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है, तो मुझे ये जानना है कि इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है क्या, और ये पूछना था मुझे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड काफी दिनों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मुझे इसमें बने रहना चाहिए या इसको चेंज करना चाहिए? ऑलराइट हर्ष, आपके पास पोर्टफोलियो तो होगा, इनके निवेश पोर्टफोलियो की जो मौजूदा वैल्यू है लगभग 8,30,000 है, और ये इनकी मौजूदा वैल्यू 8,30,000 इनके पोर्टफोलियो में है। आप कितना पाना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो से ब्रजेश? मैम मुझे 30 लाख की जरूरत पड़ेगी। आपको 30 लाख रुपए चाहिए 8 साल में? ठीक है, मैं समझ गई। चलिए तो सबसे पहले एक्सिस ब्लू चिप की बात करते हैं हर्ष। मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है ये अपनी कैटेगरी में, जिस तरह से हम तमाम लार्ज कैप फंड्स की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, चिंता का विषय तो बना ही हुआ है। लेकिन क्या ये चिंता, ये अंडर परफॉर्मेंस क्या इतनी बड़ी है कि इस फंड को पोर्टफोलियो में अब निकालने का वक्त आ जाए निवेशकों के लिए? कविता देखिए ये बात सही है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड आज की तारीख में अगर हम देखें तो रीसेंट परफॉर्मेंस को अगर एनालाइज करेंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। और एक चीज और समझनी होगी कि कोई भी फंड हर दौरान हर पीरियड में कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्मर नहीं रहेगा। सो एक्सिस ब्लू चिप एक अच्छा फंड है और वो एक टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्मर भी था, लेकिन ये मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि आज कोई दूसरा बेस्ट परफॉर्मिंग फंड दिख रहा होगा, जरूरी नहीं है कि एक साल बाद या तीन साल बाद वही फंड आपको टॉप ऑफ द चार्ट्स में दिखेगा। हर फंड मैनेजर का साइकिल आता है जिसमें वो हो सकता है कई बार वो अंडर परफॉर्मेंस रहेंगे, लेकिन उसमें कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं हुए स्कीम में, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। सो लेकिन ये चीज को मैं एक्सिस ब्लू चिप के बारे में बता रहा हूं, लेकिन अगर हम ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो देखते हैं तो इनमें इनके पास काफी स्कीम्स हैं जिसका वो इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो मैं उस लिहाज से भी आपको बता दूं, तो पहली जो इनकी क्वेरी थी वो ये थी कि भाई जो आज की तारीख में वो इन्वेस्ट करें, जो लमसम इनके पास है प्लस जो 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, क्या ये 8 साल में ये करीबन 30 लाख रुपए बन जाएगा, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम 12 से 14% का अगर हम अनुमान लगाते हैं कि आगे जाते हुए आपको जो रिटर्न है एनुअलाइज रिटर्न अगर आपको इतना मिलता है तो यस 30 लाख का जो आपका टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। सो वन प्रॉब्लम टेकन केयर हो। अब दूसरा इशू जो इनका बहुत स्पेसिफिकली था वो एक्सिस ब्लू चिप फंड पे वापस आते हैं। तो मैंने आपको एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में बता दें कि एक साइक्लिकल है, आई डोंट थिंक इसमें इतना कोई चिंता का विषय है कि ये फंड में से आप तुरंत सिर्फ अंडर परफॉर्मेंस देखते हुए निकल जाए। लेकिन हैविंग सेड दिस, अगर हम ब्रजेश जी के पोर्टफोलियो में देखें तो 10,000 रुपए की SIP है उसके लिए और जो इन्होंने लमसम कर रखा है वो सब मिला के बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो थोड़ा हम पोर्टफोलियो कंसोलिडेट कर सकते हैं। और क्योंकि हम पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करने की इच्छा रख रहे हैं सिर्फ उसी लिहाज से अगर ये एक्सिस ब्लू चिप बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, बस इसके लिए क्योंकि आप कंसोलिडेशन भी कर रहे हैं। अब ये कंसोलिडेशन करना है तो दो चेंजेस कर सकते हैं। एक है ऑफकोर्स एक्सिस ब्लू चिप फंड की SIP बंद करें, और इनके पास SBI फोकस्ड फंड ऑलरेडी इनके पोर्टफोलियो में है तो ये उसमें अपनी SIP बढ़ा सकते हैं, या तो इनके पास एक दूसरा फंड है जो है मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। अब मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स जो है वो SIP के जरिए से अगर आप कर रहे हैं तो 2,500 रुपए तक एक्सेप्ट करते हैं, और फॉर्चुनेटली इनका एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो SIP अमाउंट है वो भी 2,500 रुपए है, तो ये मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो SBI फोकस में, जो भी इन्हें करना है वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इनके पास दो स्मॉल कैप फंड है, SBI स्मॉल कैप एंड HDFC स्मॉल कैप, तो दोनों में से एक ही रखें, और SBI स्मॉल कैप इज अ बेटर परफॉर्मिंग फंड,
तो HDFC के स्मॉल कैप फंड में से अपनी SIP बंद कर दें और पूरा फंड वैल्यू अगर ये स्विच करते हैं इनटू SBI स्मॉल कैप फंड, तो इनका पोर्टफोलियो थोड़ा कंसाइज भी हो जाएगा और ये जो इनके लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं वो इनका लार्ज मिड कैप जो भी इनका जो एलोकेशन था वो बरकरार रहे। चलिए, कोई सवाल आपने पूछना है ब्रजेश? मैम, ये एक्सिस ब्लू चिप को बंद करके फिर मैं किस में स्टार्ट करूं? मेरे ब्लू चिप, इमर्जिंग ब्लू चिप, वो फंड्स के नाम जी, वो फंड्स के नाम आपके स्क्रीन पे फ्लैश हुए हैं, बट वैसे एक्सिस ब्लू चिप के बदले आप ICICI प्रू टेक फंड में भी निवेश कर सकते हैं। ये हर्ष ने आपको सलाह दी है और बाकी जानकारियां मेरे ख्याल से जब शो YouTube पे जाएगा तब आपको मिल जाएंगी। वैसे ये सलाह आपको दी जा चुकी है शो पर। इसके अलावा और कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अपना सवाल भेजने के लिए। आगे बढ़ते हैं आदित्य को सवाल पूछने के लिए। सूजा क्या फोन लाइन पर हमारे साथ है? चलिए, फोन लाइन पर सूजा मौजूद नहीं है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है आदित्य, और काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाजारों में उतार चढ़ाव बना हुआ है, तो ऐसे में ये समझना चाह रहे हैं कि इनके लिए सही निवेश का मौका क्या हो सकता है ग्लोबल मार्केट और भारतीय बाजारों में, अगर इनको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी हो तो ग्लोबल मंदी को ध्यान में रखते हुए। लमसम बेटर होगा या SIP बेटर होगी? तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये सवाल क्योंकि सुजा ने पूछा है तो कहीं ना कहीं आदित्य लग रहा है कि ये पढ़ते लिखते हैं बाजार को, या एटलीस्ट पढ़ना लिखना शुरू तो किया है, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल मंदी या अस्थिरता हमें दिखाई दे रही है, निवेश पोर्टफोलियो के निर्णय लेने के लिए इस तरह के माहौल को कितना ध्यान में रखना चाहिए आदित्य, पहले ये बताएं। मैम, सबसे पहली बात तो अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं तो आज मार्केट्स में क्या हो रहा है या कल मार्केट्स में क्या हो रहा है इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, नियर टर्म में क्या होगा उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आज से 10 साल बाद क्या होगा उसके बारे में सोचिए, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, एक पोर्टफोलियो के अंदर आपके पास अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। सारी इनोवेटर कंपनियां जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, US के मार्केट्स में है, तो वहां पे निवेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पोर्टफोलियो का 5-10% जो है इंटरनेशनल फंड्स में होना चाहिए। अब इंटरनेशनल फंड में आप कैसे जाएंगे? बड़े सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे NASDAQ फंड्स जो है वो NASDAQ ETF में पैसिव इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोतीलाल का NASDAQ ETF फंड है या कोटक का NASDAQ ETF फंड है। तो मेरे हिसाब से अगर ये पैसिव फंड्स के थ्रू आप एक्सपोजर लेंगे 5-10% ऑफ अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का, तो बिल्कुल सही रहेगा। इन म्यूचुअल फंड्स के लिए पैसिव इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, 2 फंड मैंने बता दी। अब घरेलू निवेश पे आते हैं, इंडिया की मार्केट में आप कैसे एक्सपोजर लेंगे? इंडिया की मार्केट में भी आपको एक्टिव और पैसिव फंड्स का एक पोर्टफोलियो बनाना है। 50-50% स्प्लिट कर दीजिए उसको, या फिर 60% एक्टिव और 40% पैसिव फंड्स की तरफ चले जाइए। पैसिव फंड्स में UTI निफ्टी नेक्स्ट 50, UTI निफ्टी 50, ये 2 फंड्स अवेलेबल है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्टिव फंड्स में आप फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरफ जा सकते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पराग वाली के फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं, या फिर आप मिड कैप फंड्स में भी जा सकते हैं। तो ऐसे करके आप 4 या 5 फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे, जहां पे 2 पैसिव फंड, 2 एक्टिव फंड और 1 इंटरनेशनल फंड हो, तो आप 5-10-15 साल के नजरिए से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी 10-12% की कंपाउंडिंग आराम से होगी। हमारे साथ फोन लाइन पर तो है नहीं सुजा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनको सवाल की जो समझाइश आपने दी है वो समझ में आ गई हो। जितेंद्र का सवाल मैं लूंगी, ये भी हमारे साथ फोन लाइन पर शायद अब तक जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन इनका रिटायरमेंट है, इन्हीं अभी अभी रिटायर हुए हैं, तो इनको 50 लाख रुपए मिले हैं रिटायरमेंट से। क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ जितेंद्र जी? अच्छा,
तो 50 लाख रुपए इनको मिला है रिटायरमेंट से अगस्त में, अभी ये रिटायर हुए हैं, और ये इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स दी हैं, जहां पर 30 लाख रुपए 50 लाख में से इनको निवेश करने हैं, और उसी निवेश से हर्ष ये चाहते हैं कि इनको रेगुलर इनकम भी मिले। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में एकमुश्त लगभग 23.5 लाख का निवेश और हर महीने 20,500 रुपये की SWP से इनको उसमें से पैसे चाहिए होंगे, और SCSS से इन्हें 15 लाख रुपए निवेश करना है इसमें एकमुश्त, और क्वार्टरली 27,750 रुपए निकालने का मकसद होगा। तो ये रणनीति क्या इनकी सही है कंसिडरिंग इन्होंने जो अपनी कॉर्पस रिटायरमेंट कॉर्पस को जो लगाना है? पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग जो होती है ना, वो बहुत अलग होती है एक प्री रिटायरमेंट फेज की। मान लीजिए किसी पर 10 या 20 साल है रिटायर होने के लिए, उनके लिए जो प्लानिंग होती है, और जब आप रिटायर होते हैं उसके बाद जो आपको कॉर्पस हाथ में आता है, उसकी रिटायरमेंट का जो तरीका है वो बहुत अलग होता है। दो तीन कारणों से आपको इसमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, ना कि कोई एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। एक है कि जब आप रिटायर होते हैं, पूरी जिंदगी भर की कमाई है जो आपको आपके हाथ में एक बार लमसम के रूप में आती है, और ये वापस नहीं आने वाली, ये एक बार आती है आपके हाथ में। अगर आपने इसे कोई भी गलत जगह पे इन्वेस्ट कर लिया और कुछ उस पैसों से हो गया, तो आपको उसको करेक्शन करने का भी टाइम नहीं है। मान लीजिए पहले आपके रिटायरमेंट के पहले 10-20 साल पहले आपने अगर कुछ भी गलत भी किया, तो आपके पास मौका मिलता है कि आप उसे फिर ठीक कर सकते हैं। तो जो रिटायरमेंट की बात की जो प्लानिंग होती है ना, वो बहुत स्पेसिफिक होती है, और कोई भी एक जेनरिक एडवाइस कि भाई इतने 50 लाख रुपए क्या करना है, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो मेरा सुझाव इनके लिए रहेगा कि ये पहले तो एक कोई प्लानर से पर्सनली मिले, और उसके बाद ये अपनी सारी सर्कमस्टेंसेस की कैश फ्लो किस हिसाब से वो चाह रहे हैं, कब कब किस फ्रीक्वेंसी पे चाहिए, टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होंगे, क्या ये प्रोडक्ट्स को समझते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इन्होंने ये HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में 23.5 लाख रुपए जमा किए हैं या करने वाले हैं पता नहीं, और उससे वो करीबन 20,500 रुपए चाह रहे हैं। अगर ये एक डिविडेंड पे आउट जो पहले होता था कि डिविडेंड, अभी वो नाम बदल गया है, लेकिन अगर ये डिविडेंड को मान रहे हैं कि भाई ये एक प्रॉफिट में से आ रहा है, तो एक वक्त था जहां पे काफी लार्ज स्केल पे मिससेलिंग होती थी ये बोल के कि आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको मंथली डिविडेंड ऑप्शन है, तो आपको आपकी इनकम जो है वो महीने टू महीने आ रही है। लोगों को लगता था कि ये इंटरेस्ट है, जैसे बैंक में आपको मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन होता क्या था कि आपको अगर एक डिविडेंड बोल के मिल रहा है, वो हो सकता है कि आपके कैपिटल में से भी है, वो प्रॉफिट में से ही है, वो जरूरी नहीं था। तो इसी चीज को सेबी ने करेक्ट करने के लिए लोगों को ये डिविडेंड पे आउट का जो ऑप्शन है उसका नाम बदल दिया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल प्लान। तो जो पैसे आ रहे हैं आपको ये पता होगा कि आपका कैपिटल में से भी शायद पैसा निकल रहा है। सिर्फ उदाहरण दे रहा था कि बहुत सारी चीजें होती हैं पोस्ट रिटायरमेंट के लिए, तो आप कैसे भी एक फॉर्मेट बेस्ड मेरे पास 50 लाख है, अब क्या करूं, इनकम चाहिए, वो तरीका सही नहीं होगा। मेरा सुझाव रहेगा कि किसी से मिले और उस बेसिस पे ये अपना एक डिप्लॉयमेंट करें। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता और ऐसा एक्सेस नहीं है आपके पास कि आप किसी से समझ सकें और कोई भरोसेमंद इंसान है, तो आप जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है उससे ही अगर आप करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ना कि कोई चीज जो आप नहीं समझ रहे। तो फिक्स डिपॉजिट हो गई, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, या यू नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं, सो दीज आर वन ऑप्शन। लेकिन अगर कोई सलाहकार मिले और अच्छी तरह भरोसेमंद है, तो आप एक पोर्टफोलियो जरूर बनाएं जिसमें आपको इक्विटी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स या बैलेंस एडवांटेज फंड या SWP क्या फॉर्मेट सेट करना, लेकिन किसी से मिलकर समझ के करें तो ज्यादा बेटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले दर्शक पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पंकज जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? पंकज जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी बताइए, आपको अपनी मदद के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चाहिए ना? हाँ बोलिए मैम। ओके, आपको अपनी मदद के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चाहिए? हाँ, मेरा सवाल ये मैम कि अभी भी रिसेंटली मेरे मदर 67 ईयर ओल्ड की है, उन्होंने अभी FD में से कुछ उनको जैसे पैसा रिटर्न बैक मिला है, तो वो लोग हम लोग चाह रहे कि उसको कुछ SIP में या म्यूचुअल फंड में डाले, ताकि उनको मंथली मीन्स 12% तो भी मंथली और ईयरली जो है उनको रिटर्न आना चाहिए। तो उसके लिए सलाह चाहिए थी। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। तो ऐसे में आदित्य,
इनकी मदर की उम्र तो 67 साल है और ये एफडी की कमाई है जिसको ये निवेश करना चाहते हैं, लेकिन 12% उम्मीद है रिटर्न की। और पंकज, मुझे एक सवाल पूछना होगा, ये माताजी को कितनी अवधि के लिए ये पैसे डालने होंगे, क्योंकि आपने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन तो मुझे बता दी, लेकिन कितने साल तक वो ये पैसे निवेश करके रखना चाहती हैं उसकी कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि वो रिस्क कितना उठा सकती हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करना तो चाह रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जोखिम की जानकारी हो जो आप लेते हैं इस तरह के प्रोडक्ट में निवेश करने पर। पंकज चलिए, शायद इस सवाल का जवाब मुझे ना मिल पाए, लेकिन आदित्य दोनों ही सिनेरियो में आप प्लीज जवाब दे दीजिएगा। मैम, सबसे पहली बात तो उनकी माताजी की उम्र 67 साल है, उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए एक्विटी जैसे वोलेटाइल प्रोडक्ट में। मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए उनको। सिंस उनकी माताजी की उम्र 60 साल से ऊपर है, तो एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वहां पे क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है जिससे उनका उनको पैसे मिल जाएंगे जो उनको क्वार्टर की चाहिए, तो वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में नहीं करना है तो दूसरा उपाय ये हो सकता है कि अभी डेट म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए, एचडीएफसी लिक्विड फंड और आईसीआईसीआई लिक्विड फंड की तरफ जाइए, और वहां से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से हर महीने जो भी आपको पैसे चाहिए वो विड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ पे 12% का रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे उनको पहले डिसाइड करना होगा कि क्या वो रिस्क लेना चाहते हैं इक्विटी का इस उम्र में। अगर वो इक्विटी का रिस्क लेना चाहते हैं इस उम्र में, 12% के रिटर्न के लिए एक्सपेक्टेशन है उनकी, तो मेरे हिसाब से उनको इन्वेस्ट करना चाहिए पराग पारे फ्लेक्सी कैप फंड में और डीएसपी क्वांट फंड में, ये दो फंड है अगर वो इक्विटी में जाना चाहते हैं तो। बट मेरी सलाह ये रहेगी इक्विटी में बिल्कुल मत जाइए, सारा पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल दीजिए जहाँ पे आपको पैसे मिलते रहेंगे। वो भी नहीं करना है तो डेट म्यूचुअल फंड में जाइए, और दो फंड जो है एचडीएफसी लिक्विड और आईसीआईसीआई लिक्विड, इसमें से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यूज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रमोद धूमल हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे हैं जो कि हर्ष से सवाल पूछना चाहेंगे। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, पूछिए सर। सर मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 5,000 महीना, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 4,000, निप्पॉन इंडिया का 150 मिड कैप में 4,000 और कैनरा रूबको में 3,000, तो क्या मेरा फंड सही है? मैं क्या इंडेक्स फंड में, या मुझे 12% रिटर्न मिल सकता है आगे 20-22 साल में इसमें? 2.5 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा करने हैं ना? हाँ, 2.5 करोड़। चलिए हर्ष बताइए। तो यस प्रमोद, पहला सवाल का जो आपने किया था वो ये है कि क्या आप एक सिर्फ इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उसमें 20-22 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, वेरी मच यस, आप मोस्ट सर्टेनली एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें आपका टॉप 250 जो कंपनीज है वो पूरी आ गई है। सो आपने निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और मिड कैप ले लिया, तो इनफैक्ट आपने क्या किया कि जो टॉप इंडिया की जो 250 कंपनियां हैं वो पूरा आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कैसा आ गया है, और एक स्मॉल कैप यह है जो एक्टिवली मैनेज फंड है। सो आई थिंक आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, कोई भी बदलाव करने की आपको जरूरत नहीं है। और यही पोर्टफोलियो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो फंड मैनेजर को ट्रैक नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते, वो कहते हैं कि भाई जो इंडेक्स का रिटर्न है उतना मिल जाए उतना काफी है। सो आई थिंक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, आप प्लीज कंटिन्यू करें। और जो आपके टारगेट्स हैं, लक्ष्य है कि भाई 22 साल में आपको 2.5 करोड़ रुपए चाहिए और अगर 12% रिटर्न मिला तो कितना होगा, तो वेल अगर ये 12% के हिसाब से हम एक्सपोलेट करते हैं कि भाई आगे जाके कितना बन सकता है, तो करीबन 2 करोड़ रुपए आसपास आता है जो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप 2.5 करोड़ चाहते हैं तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो करीबन 4,000 रुपए से बढ़ाना होगा, अगर आप बढ़ाते हैं तो ये आपका 2.5 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो और आज नहीं बढ़ा सकते कोई दिक्कत नहीं, आगे जाते हुए जैसे इनकम बढ़ेगी तब आप बढ़ाइएगा। और अगर आप ये अपना गोल जो आपने लिखा है कि 22 से 25 साल के बीच में, अगर ये 25 साल अपने आप में होता है तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो कोई बदलाव नहीं पोर्टफोलियो के लिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और प्लीज कंटिन्यू करते रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक की ओर हम बढ़े, उससे पहले एक बार जरा निवेश के गुरु मंत्र की ओर रुख कर लेते हैं। आदित्य बताएं आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या होगा?
ये लेके आया हूँ कि आज प्लीज आप अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है। मिनिमम 5-10% आपका पोर्टफोलियो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इन्वेस्ट होना चाहिए। स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि सारी इनोवेटर कंपनी है। आप इंडेक्स फंड यूज कर सकते हैं, इंडेक्स फंड अवेलेबल है म्यूचुअल फंड के थ्रू। मोतीलाल नैसडैक 100 अवेलेबल है, कोटक का भी नैसडैक 100 अवेलेबल है, गिराए का भी टाइम ETF है जो अवेलेबल है, जहाँ पे आप ये आपकी डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, ऊर्जा गिरने से भी बेनिफिट होता है यहाँ पे, और US की इनोवेटर कंपनीज का एक्सपोजर मिलता है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड के थ्रू, 5-10% अपना पोर्टफोलियो बाहर। हर्ष, आपका गुरु मंत्र? वेल, कविता, मैं प्रमोद जी का जो सवाल था उसी से पिकअप करता हूँ। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये एंग्जाइटी होती है कि भाई मैं कोई फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। कई सालों बाद वो हो जाता है कि मेरा फंड मैनेजर जो है वो कंटिन्यूसली अच्छा देगा कि नहीं। सो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इसको सॉल्व अगर आपको करनी है तो आप एक पूरा बास्केट जो है अपना इन्वेस्टमेंट का पूरा इंडेक्स फंड से भी बना सकते हैं। सो वो सारे इन्वेस्टर्स के लिए बात कर रहा हूँ जो नॉन फाइनेंशियल सेवी है, जो फाइनेंशियल मार्केट से नहीं है, जो यू नो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कोई स्कीम्स को ट्रैक नहीं करना चाहते। तो उनके लिए एक सलाह रहेगी, जैसे प्रमोद जी ने अपना पोर्टफोलियो बनाया था कि भाई लार्ज कैप मिड कैप इंडेक्स फंड्स ले लिए, तो फंड मैनेजर बायसेस पूरा हट गया और यही पोर्टफोलियो आप कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहिए विदाउट इवन लुकिंग एट इट। तो यही मेरा गुरु मंत्र है कि कोई भी अगर मार्केट में इस चीजों से घबराता है कि फंड मैनेजर एक्सेट्रा का ट्रैक करना पड़ेगा, तो इंडेक्स फंड से अपना पोर्टफोलियो बनाएं और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। ऑलराइट, चलिए दर्शक हमारे आखिरी हैं फोन लाइन पर, अनिल सिंह साहब। नमस्कार सिंह साहब, बताइए। नमस्कार मैडम, नमस्कार, बताइए आपने पूछना है। हाँ हाँ, आपको सेंसेक्स इंडेक्स फंड या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में से कौन सा बेहतर है जानना है ना? जी हाँ, मुझे उस फंड के बारे में जानना है, तो सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स फंड। इसके अलावा आपके आपके पोर्टफोलियो में बाकी सारे फंड्स हैं, है ना? जी मैडम। चलिए आदित्य, मेरे हिसाब से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। 50 कंपनियां हैं वहां पे, डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है और इंडेक्स में चेंजेस साल में 2 बार होते हैं और मोमेंटम इंडेक्स है, अच्छी कंपनियों को रखते हैं और बुरी कंपनीज को बाहर निकाल देंगे। तो मेरे हिसाब से निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड यूज कीजिए। कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी का इंडेक्स फंड यूज करेंगे आप? मेरे हिसाब से UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। वहां पे ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो दोनों ही कंट्रोल के अंदर है, तो UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड यूज करिए और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों को यूज कीजिए, 10 साल तक SIP कीजिए कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये तो आपने सलाह दे दी अनिल जी को, अच्छा किया, लेकिन उसके अलावा कितना जरूरी है इंडेक्स फंड्स को या पैसिव फंड्स को पोर्टफोलियो में शामिल करना आदित्य? मैम, लार्ज कैप कैटेगरी में हमने देखा है कि 90% एक्टिव फंड जो है वो अंडर परफॉर्म करते हैं इंडेक्स को, तो यहाँ पे अंडर परफॉर्मिंग फंड से अच्छा तो आप पैसिव फंड में चले जाइए, ताकि कोई चांस नहीं रहेगा अंडर परफॉर्मेंस का। जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर 50% एक्टिव फंड होने चाहिए और 50% पैसिव फंड होने चाहिए, ताकि आप कहीं पे भी बैट नहीं कर रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी किसको आउट परफॉर्म करे। तो बहुत जरूरी है पैसिव फंड्स को इंक्लूड करना और लार्ज कैप एक्टिव फंड की जगह पैसिव फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल ना। जी चलिए, इसी के साथ समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका, आदित्य आपका, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़े जा रही हूँ जो हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। नमस्कार।